तो फ्रेंड्स, ये बैंक ऑफ महाराष्ट्र का डिपॉजिट स्लिप है, यानी पैसा जमा करने वाला पर्ची है। ठीक है, तो मैं इसको बताऊंगा कि पूरा फुल इसको कैसे भरते हैं। जब भी आपको पैसा जमा करना होता है तो ये वाला फॉर्म को पूरा भरना पड़ता है। ठीक है, तो ये वाला फॉर्म सबसे पहले आपको ब्रांच से ले लेना है। तो ये फॉर्म देख सकते हैं, ये वाला फॉर्म आप ब्रांच से लेके, ठीक है, और भरने के लिए इसमें दो पार्टीशन दिया हुआ है। एक ये स्लिप है, एक ये, मतलब इसमें से ये वाला छोटा वाला टुकड़ा भाग जो है आपके पास रहता है, और ये वाला बैंक वाला ले लेते हैं। ठीक है, मतलब दोनों, ये फॉर्म पूरा जब आप भर के देंगे तो बैंक वाले लोग दोनों पे मोहर लगाते हैं। पैसा जमा करने के बाद ये वाला छोटा वाला स्लिप आपको दे देते हैं, और ये वाला वो लोग रख लेते हैं। तो गाइस, इस फॉर्म को भरने के लिए सबसे पहले यहाँ से भरेंगे। ठीक है, ये छोटा वाला जो है यहाँ से देख सकते हैं, ये यहाँ पे शाखा भरेंगे। यहाँ पे आपको अपना शाखा डाल देना है, जहाँ भी शाखा है। उसके बाद यहाँ पे डेट पूछ रहा है, तो आपको डेट यहाँ पे डाल देंगे। ठीक है, DDMMYY के फॉर्मेट में, यानी मान लीजिए आज 19 तारीख है और सातवां महीना, तो 1907 और ईयर भर देंगे 2022। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे सेविंग अकाउंट पे टिक कर देंगे, और उसके बाद यहाँ पे आपका जो है खाता नंबर यहाँ पे भर देंगे, जो आपके पासबुक पे मिल जाएगा। खाता नंबर को सही सही भरेंगे। ठीक है, खाता नंबर को सही सही भरेंगे, नहीं तो पैसा आपके अकाउंट में नहीं जमा हो पाएगा। ठीक है, वो फॉर्म रिजेक्ट भी हो जाता है, इसलिए खाता नंबर को अच्छा से डालें। फिर यहाँ पे नाम आपको डाल देना है, जो आपके पासबुक पे होगा, जो आपका अकाउंट होल्डर नाम है, वो नाम आप डाल देंगे। नाम डालने के बाद यहाँ पे अमाउंट, जो रकम है आपका, वो कितना है वो नंबर में आपको लिख देना है, अंक में। ठीक है, यहाँ पे आपको लिख देना है। यहाँ पे लिखने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं रकम को, फिर वर्ड में बोल रहा है लिखने के लिए। तो मान लीजिए 11,500 हमने लिखा है अंक में, उसको हमने वर्ड में लिखना है। ठीक है, तो 11,500 ऑनली लिख दिया हमने। ठीक है, आपका जितना भी होगा अमाउंट लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पे ये कैश है या चेक है, तो हमारा कैश है, तो कैश यहाँ पे लिख के 11,500 लिख देंगे, फिर यहाँ पे टोटल कर देंगे। ठीक है, तो ये वाली पर्ची जो है कंप्लीट हो गई। अब ये वाला ब्रांच कॉपी हमने, फिर यहाँ पे देख सकते हैं, ये ब्रांच कॉपी हो गया। ब्रांच कॉपी को यहाँ पे फिर वैसे ही यहाँ पे शाखा ब्रांच, यानी ब्रांच आपको डाल देना है जिस ब्रांच में है। ठीक है, जैसे हमने इसमें ब्रांच डाला है, यहाँ पे इसमें भी ब्रांच डालना है, और यहाँ पे वैसे ही डेट आपको लिख देना है, जो डेट में पैसा जमा कर रहे हैं वो डेट आपको ऐसे ही लिख देना है। और फिर इस वाले बॉक्स में अकाउंट नंबर सही सही डाल देना है। ठीक है, अकाउंट नंबर इसमें सही सही डाल देंगे, फिर यहाँ पे नाम डालेंगे। ठीक है, नाम जो है फिर वैसे ही नाम इसमें भी डाल देना है। ठीक है, उसके बाद से यहाँ पे मोबाइल नंबर आपको डाल देना है, अपना मोबाइल नंबर। ठीक है, मोबाइल नंबर डालने के बाद ईमेल आईडी पूछ रहा है तो डाल दीजिए, नहीं है तो कोई बात नहीं है। उसके बाद फिर यहाँ पे रुपया पूछ रहा है वर्ड में डालने के लिए, तो मतलब कितना पैसा डालेंगे आप वर्ड में, आपको फिर वैसे ही लिख देना है। ठीक है, तो हमने वर्ड में फिर अमाउंट लिख दिया है। उसके बाद यहाँ पे कैश जमा कर रहे हैं या चेक से, तो कैश जमा कर रहे हैं, तो यहाँ पे कैश लिखेंगे, फिर यहाँ पे 11,500 यहाँ पे टोटल कर देंगे। ठीक है, और टोटल करने के बाद यहाँ पे इधर आएंगे। ठीक है, ये देख सकते हैं ऊपर में दे रहा है पैन नंबर, तो अगर आप 50,000 से ज़्यादा जमा कर रहे हैं तो यहाँ पे पैन कार्ड का नंबर आपको डाल देना है। ठीक है, तो हमने गाइस 50,000 नहीं जमा कर रहा है, 11,500, तो हमको ज़रूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है, पैन नंबर डालने की, तो यहाँ पे अब आपको जो पैसा जितना है, मतलब 11,500 रुपया हमने जमा करना है। ठीक है, तो हमारे पास कौन से नोट कितना है। ठीक है, तो मान लीजिए हमारे पास 500 का नोट 20 है। ठीक है, 20 है, तो यहाँ पे 20 कर देंगे 20, 500 × 20, मतलब 20 हमारे पास नोटों की संख्या है 500 का। ठीक है, तो यहाँ पे 20 लिख के टोटल करेंगे, तो यहाँ पे 10,000 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास 100 का नोट है 15, तो यहाँ पे 15 लिख देंगे, 100 × 15, उसके बाद 1500 ये हो गया और 10,000 ये हो गया, और इसको टोटल यहाँ पे जोड़ देंगे। ठीक है, तो 11,500 हो रहा है। वैसे ही आपके पास जो भी नोट होगा, अगर आपके पास 2000 होगा तो 2000 का नोट की संख्या आप गिन लेंगे, उसके बाद यहाँ पे डाल के उसको यहाँ पे इंटू करके टोटल कर देंगे, फिर अपना टोटल कर देंगे, जैसे हमने किया है सेम वैसे ही जो नोट जितना होगा लिख के टोटल कर देंगे। तो ये फॉर्म पूरा कंप्लीट भर गया। उसके बाद यहाँ पे आपको सिग्नेचर कर देना है, मतलब जमाकर्ता का हस्ताक्षर, सिग्नेचर ऑफ डिपोजिटर, तो यहाँ पे सिग्नेचर कर देना है, और सिग्नेचर करके आपको
पैसा साथ में रख के जमा कर देना है, पैसा इसे साथ में रख के जमा करेंगे, ठीक है। तो ये पूरा कंप्लीट हो गया गाइस, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और ऐसे ही मैं नई नई जानकारी लाते रहता हूँ, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।